एक लड़की ने बार बार बताने की कोशिश की दैट ही लाइक्स मी, तो शायद अपने पापा से डर गया, इसलिए बोल ही नहीं पाया। ये भी तो हो सकता है कि उसने बोलना चाहा हो, मतलब अपने पापा के डर के बावजूद भी उसने बोलना चाहा हो, पर वो बेचारा श्योर नहीं था कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। तुम्हें बड़ी दया आ रही है ना उस पे? और तुम्हें मतलब गुस्सा आ रहा है, दया रही है उसकी मजबूरी पे या फिर प्यार? गायत्री बेटा, गायत्री, गजब हो गया बेटा, गजब तेरे पापा। क्या हुआ पापा को? मतलब गजब हो गया, मतलब आफत आ गई है, आफत। नहीं नहीं आफत नहीं, सुनामी, मुसीबतों की सुनामी। नहीं नहीं भूकंप, तकलीफों का भूकंप। प्रलय 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 रखते हैं फिक्स बेटा। मम्मी जो रखना है वो रखो, पहले हुआ क्या है वो बताओ। हाँ। तू अंदर चल चल। अरे अभिषेक, लोचा है बेटा, लोचा। क्या हुआ आंटी? गजब गजब हो गया बेटा, गजब। क्या हुआ, क्या? सुनामी, मुसीबतों की सुनामी आ गई है बेटा। ये देखो रिपीट टेलीकास्ट बेटा, तेरे अन्ना। क्या? नहीं नहीं तू उनको बोलना कल सवेरे सबसे पहले मुझे और महेंद्र को मिलने आए, ठीक है? आंटी लेकिन बात क्या है? बात क्या है वो मत पूछो, वरना दूसरा रिपीट टेलीकास्ट आएगा। सुनामी है, प्रलय है, वो सब। चलो अभिषेक, कल सवेरे 7 बजे अन्ना ब्रश करते हो ना, तो ब्रश करते करते उनको खींच के हमारे पास लेके आना, ठीक है? हाँ चल चल, तू पहले अंदर चलो। लेकिन चलो, सुनामी, भूकंप, प्रलय, ये सब तो बोल के गई, लेकिन हुआ क्या ये तो बोली नहीं। आई, सोई नहीं तू? अरे बड़ा वो पैर दुख रहा था थोड़ा। बापरे, वो देखा मैंने, देखा वो पाटरक, वहां पाटरक। हाँ, जब कमरे से बाहर आ रही थी ना तभी देख लिया था मैंने। मुझे बता नहीं क्या सकती थी मेरी कौशल्या सुमित्रा। बैठो बैठो, आज ये प्रिंगम मंजूर तेल मैं तुम्हारे पाँव में लगा देता हूँ। ओ क्या कर रहे हैं, मुझसे ऐसा अपराध करवाएंगे? अरे अपराध कैसा, हाँ सुख में दुख में तुम्हारा साथ देकर हाथ बटाने का वचन लिया है मैंने साथ फेरे लेते समय। ओ, लेकिन अरे पत्नी अगर पति के पाँव दबा सकती है तो पति अपनी पत्नी की सेवा नहीं क्या कर सकता? अन्ना वो मैं अभी नहीं, मुझे पता नहीं है कि मामला क्या है, और उर्मिला आंटी को तो आदत ही है बड़ा चढ़ा के बोलने की। क्या वो क्या बोलना बड़ा? अन्ना वो मैं आपका उत्तराधिकारी हूं ना। अरे तू तो राम है मेरा। तो फिर आपकी सेवा का उत्तराधिकारी भी हुआ ना, एक पर मैं दबाता हूं एक पर आप दबाइए। चलो चलो दे ला, लाओ अभी दोनों पैर। अरे बाप रे, तेरी आई तो रोने लगी। काश हमारे देश की सारी स्त्रियां इतनी खुशकिस्मत होती। इसकी पत्नी भी वैसा ही कहेगी। जो छे ना, कौन होगी वो, कौन होगी हमारे कोकणस्थ समाज की वो खुशकिस्मत लड़की? ओह माय गॉड, मम्मी पापा मींस के महेंद्र, मम्मी मतलब मैं हूँ इसकी मूछ वाली मम्मी और तू नाइटी वाली पापा। पापा जवाब दे।
जवाब दे, हमारा बेटा गायत्री बुला रहा है तुझे, डफोड़। दोनों के दोनों फिंगर ऑन योर लिप्स, नहीं तो चेयर पे खड़ा कर दूंगी दोनों को। यहाँ पे इतनी बड़ी है। हाँ 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 हाँ, बराबर है। तू ना, तू महेंद्र को लेकर परेशान मत हो गायत्री, ये तो पागल है। आ जो, जो। पापा अभी जगाते उनको, है ना? बराबर बोल रही है। अरे ओ अन्ना भाई, सरजोत बहन, परमेश्वरा, ये उर्मिला बहन। ओ अन्ना भाई, संजोत बहन, ओ संजोत बहन। अरे जोत्सना, जोत्सना नाम है। अरे आपने तो मराठी का पंजाबी कर डाला। हाँ भैया, सेम अवे। नहीं नहीं, अरे संजोता, जोत्सना, ये तो दोनों उल्टे नाम है। हाँ सेम कैसे हुए? और इस बार मैं ये बाल्टी खाल निकलने वाला हूँ। अरे हाँ हाँ, संजोत जोत्सना एक डंडी का तो फर्क है। अब भी क्या बीच रात को 12:30 बजे बाल की खाल निकलने बैठ जाते अन्ना भाई? अरे एक तो इतने रात को आप जोर जोर से चिल्ला रही है। अन्ना भाई, अन्ना भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे वो आप हमारे घर पे कुछ पतीले भूल गए थे, उसके बारे में बात करनी थी। तू चुप रहना, उनको नहीं बतानी ये बात अभी। ओ, अच्छा अच्छा, बरोबर। अरे वो पतीले तो सोने के है ना, रत्न जड़ित, इसीलिए ये बात अभी चिल्ला के बतानी जरूरी थी, है ना? सॉरी सॉरी अन्ना साहब, आप लोग सो जाइए। जरूर जरूर, आप अगर चिल्लम चिल्ली करना बंद करेंगे ना, तो जरूर कोशिश करेगा पूरा महादेव पेट सोने की। हाँ, एक तो वो उर्मिला बहन की आवाज वॉशिंगटन तक पहुंच गई, मुझे फोन आया था। हाय हाय, किसका? डोनाल्ड का। आहो अभी देखना, वो उर्मिला भाई जरूर महेंद्र भाऊ को बोलेगी जोयो 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 जोयो। आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, और वो टेढ़ा लाल महेंद्र, हाँ, उनके घर के ये आंगन में है ना, हाँ, जाके जरा 2-4 दिवाली वाले सुतली बम फोड़ के आते हैं ना, चलो मेरे पास पड़े। अरे रे, तुम्हारी गुजराती सुतली बॉम है, है? और वो भी ब्यूटीफुल सुतली बॉम, हमारी तड़ाफड़ी। जाओ ना, आओ ना, ये जाओ ना। हाँ, हीरा लाल पन्ना लाल मींस के चुप। अभी ये टाइम बॉम पे आए प्लीज। वैसे उर्मिला आंटी मुझे बोल रही थी कि सबसे पहले कल सुबह आप महेंद्र अंकल को मिलने चाहिए। हाँ हाँ, वो अपने बर्तन बिर्तन वापस लाने के लिए। अभी सुना ना तूने? कितनी भाई देखनी शुरपणा खा जैसे। बेटा कल सुबह हम उनको सिर्फ ये टाइम बॉम्ब नहीं, बल्कि इस टाइम बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज करना है उसका तरीका भी बताएंगे। पर पापा, ये बॉम्ब कैसे डिफ्यूज होगा? हाँ, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं महेंद्र, ये बॉम्ब तो फटेगा ही फटेगा। फिर बेचारे अन्ना भाई बोलेंगे, चला चला, सिर्फ 1-4 नहीं, हमेशा के लिए दुकान बंद, ना सामान बिकेगा ना उसकी सुगंध, क्योंकि हमारी तो हवा ही हो गई है बंद। जाओ जाओ गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट से सामान खरीद लो, भाकरवड़ी खरीद लो। देखा, देख देख गायत्री, तेरे पापा देख उनकी समस्या को अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं, इसका प्लान बनाने लगा इनका शातिर दिमाग। ओ लोमड़ी ठक्कर, देख हाँ बोल रहे ऊपर से, क्या सोच रहे हैं आप? उर्मिला, मुझे एक जबरदस्त पैंतरा सूझा है, मैं जो प्लान आजमाने जा रहा हूं ना, उससे सब लोग पूरी तरह से हिल जाएंगे, तो लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। ये अन्ना भाई अभी तक आए क्यों नहीं होंगे महेंद्र? हाँ, अरे मेरा तो हाथ जल रहा है उनका ये टाइम बॉम्ब पकड़ पकड़ के। उर्मिला, कॉफी बहुत स्ट्रांग है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने एकदम बराबर बनाई है। आपकी जुबानी वीक हो गई है महेंद्र। अच्छा,
मुझे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। हाँ, क्योंकि तेरी जुबान बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, नागिन जैसी। है महेंद्र, आपने मुझे नागिन कहा? हाँ, मैं जा रही हूँ राजकोट। उर्मिली, इस परिस्थिति को हम दोनों को मिलकर संभालना है, चुप बैठना थोड़ी देर। ठीक है, तो मैं नहीं जाती। लेकिन ये अन्ना भाई अभी तक क्यों? हेलो केशव, प्रभाकर, अभिषेक, चलो। ये दुकान का साफ सफाई का दिन होता है तभी तुमको देरी हो जाती है। केशव चला चला। अजो, ये देखो, ये सुबह सुबह 7 बजे निकल पड़े दुकान पे, और वो अमर अकबर एंथनी भी तीनों साथ में है। अरे हाँ, वो केशव है ना, उस दिन पता है? चुप रहे ना तू, मौका मिला नहीं कि पंचायत छोड़ू। अरे अन्ना साहब, सफाई का दिन, सफाई का दिन। अन्ना साहब, दो दुकान पे आकर के बात कीजिए। हमारे बर्तन लेकर आप कहीं भी भाग नहीं जाएंगे महादेव पेट छोड़ के, मुझे विश्वास है। अन्ना साहब, पर दुकान पे और पीछा ही नहीं छोड़ते ये गुजराती लोग। टेढ़ा है आदमी, टेढ़ा। कितना टेढ़ा है ये, इतना टेढ़ा कैसे हो सकता है ये आदमी? टेढ़ा है ये, टेढ़ा। इतना टेढ़ा है ये, इतना टेढ़ा कैसे हो सकता है ये आदमी? ए बाबा रुक, तुझे चाबी वाले बंदर से खेलना है? किधर है बंदर? ये देख, टेंटे टेंटे टूटू टूटू, टेंटे टेंटे टूटू टूटू, टेंटे टेंटे टूटू टूटू। छे, ये तो आदमी है। ए चुप, निकल यहां से, निकल। उर्मिला, तू गायत्री को लेके अन्ना साहब के घर जा, और वहां सारी औरतों को समझा कि प्रॉब्लम क्या है। मैं दुकान पे जाके परिस्थिति संभालता हूँ। ठीक है। अरे बाप रे, ये गुजराती बहन तो एक दिन पूरा महादेव पेट गिराएगी। हलू जरा हलू। क्या? अरे वो अपनी दुकान है ना, दुकान जहाँ पे हम लोग भाकरवड़ी बेचते हैं, भाकरवड़ी। इसको भाकरवड़ी बोलना चाहिए, भाकरवड़ी नहीं, भाकरवड़ी। हाँ हाँ, उसका क्या मोल काका? वो ना एक जादूगर अभी ले जाएगा, मतलब लेके जाएगा। कौन जादूगर? हाँ, अरे वो डीसी सरकार, जिसको हम लोग देखने गए थे मालूम? उसने ना स्टेज पे अपनी शर्ट की स्लीव में से ऐसे कबूतर निकाला, और फिर पर्दा गिर गया, धराम, मालूम? पर्दा क्यों गिर गया था? क्योंकि मैंने स्टेज पे चढ़ के जादूगर का कोट खींचा था, तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी जादू से, कबूतर, खरगोश, केला, जादूगर की बीवी, बनियान। तो जादूगर चिल्लाया, गिराओ गिराओ पर्दा गिराओ, लेकिन किसी ने पर्दा गिराया ही नहीं, सिर्फ पर्दा बंद कर दिया। फिर मैंने खींच के गिराया पर्दा, मालूम? हाँ हाँ, याद है। वो जादूगर, इसका कुछ करो, ये बोल के बेचारे रोए थे। और ये भी बोला था कि कल से मैं जादू ही नहीं करूंगा। मेरी वजह से। हाँ, फिर मेरे अन्ना को कहना पड़ा था कि इसको गायब करके दिखाइए ना, मेहरबानी करके। मुझे ओ हेलो, स्टेज पे से उतरो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे। अमोल काका, वो डीसी सरकार हमारी दुकान क्यों लेके जाएंगे? उसको चाहिए होगी सुचेता, फिर ना वो ऐसे घाघरा का नागरा करके अपनी दुकान गायब कर देगा। केशव। हाँ ना, ये साफ सफाई का अभी नहीं, नहीं। साफ सफाई करनी है। अन्ना, प्रभाकर कलम रख दे, वरना मैं तुझे साफ कर दूंगा। हाँ? अन्ना साहब, अरे बाप रे, ये सचमुच में आ गए। महेंद्र भाव, मैंने आपको बोला ना, हमारे बर्तन भांडी वगैरह आपके घर पे सही सलामत है। हाँ, काळजी ना करो। अन्ना, आने दीजिए ना, मेरा गीत। मुंह खोलिए। अभिषेक, अभी ये कचरा ठूस दे उसके मुंह में। ठूस दे। ये देख, माइक्रोफोन के भोंगे की गूंज, वो होता है ना, वो आपका वोट, मुझे देना। मैं जो बोलता हूँ वो ही बोलता है ये, और मैं जो नहीं बोलता हूँ वो भी ये बोलता है मेरे नाम से, क्योंकि तू जब बोलता है ना तो मेरा दिमाग डोलता है। ओ अन्ना साहब, अरे मैंने आपको बोला ना, चुप रहिए।
दो मिनट बिल्कुल चुप रहिए आप, वरना ये नोटिस मैं आपके मुंह में ठूस दूंगा। एक मिनट, अमोल काका, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने ये सब कहाँ से सुना और किसने कहा आपको ये सब? वो अपनी दुकान है ना, दुकान वहाँ पे कल रात को मैंने जो नोटिस पढ़ी थी ना, वो नोटिस फिर से पढ़ने के लिए आज सुबह में व्यायाम में से ऐसे सूढ़ी से निकल के दुकान पहुंचा, लेकिन वहाँ पे वो नोटिस थी ही नहीं। वो वाली नोटिस है ना, मैंने कल रात को ही पढ़ ली थी, उसमें लिखा था कि ये दुकान हमको सरकार के हवाले करनी होगी। अभी वो जादूगर सरकार ऐसे करेगा ना तो। एक मिनट सुचेता दीदी, सरकार मतलब गवर्नमेंट। मैं पता करती हूँ कि मामला क्या है सुचेता दीदी। क्या बोला आपने? बिल्कुल सही बोला। मैं आपकी दुकान पे क्यों आया हूँ ये पता भी है आपको? हाँ पता है, अभी आपकी दुकान खुली नहीं है ना, तो टाइम पास कैसे करेंगे इधर आके, है कि नहीं? बोलो। हाँ बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं। आपको क्या लगता है आपकी ये दुकान कोई सिनेमा हॉल है, क्लब है या गार्डन है जहाँ टाइम पास के लिए जा सकते हैं? अन्ना साहब बहुत ही सीरियस मामला है ये। अन्ना लगता है सच में सीरियस मामला है। हाँ पर क्या मामला है क्या? तेरे अन्ना को बिठा पहले। नहीं मैं बैठूंगा नहीं। मैंने कहा ना आप बैठ जाइए। आप मुझे डरा रहे हैं। अभी अभी बताइए, फटाफट बताइए क्या मामला क्या है। हाँ सुनिए। अरे साफ सफाई चालू रखो। अरे दुकान की साफ सफाई गई तेल लेने, अरे आपकी दुकान ही सफाचट हो जाएगी अगर हमने कोई जुगाड़ नहीं किया तो। कैसे, क्यों, ऐसा क्या कर दिया हमने उर्मिला बहन? बताती हूँ। देखो आपकी जो दुकान है वो 100 साल पुरानी है, बराबर? हाँ, उसका क्या? हाँ तो दुकान मींस आप समझ रही है ना मैं कौन सी बोल रही हूँ, अपना भोसले बंधु। हाँ अगर भाई अभी इन्होंने गोखले का भोसले कर डाला। गोखले बंधु मम्मी, गोखले बंधु, पहले ओगले बोली फिर धोखले बोली फिर खोखले बंधु बोली और अब भोसले बंधु। मैं कितनी बार करेक्ट करूँ आपको? अरे हाँ भाई हाँ सेम अवे, अभी ऐसे टाइम पे गोखले ढोखले टोखले मोखले सब सेम होता है। तू भी क्या ऐसे टाइम पे बाल की खल निकालने बैठ जाती है गायत्री? मामला क्या है बताइए ना वही। नहीं हाँ मैं बताती हूँ। आपकी जो दुकान है ना, कौन सी वाली? जो हमारी दुकान के बगल में है ना, बाजू में, वो वाली। हाँ हमारी केवल एक ही दुकान है वही। नहीं मार खाएगी निर्मिति अगर केवल का इशारा ऐसे कैसे पूछेगी तो। अरे निर्मिति वो अपने दत्ता बहू का बेटा केवल वो जेल में है ना, तो केवल का इशारा ऐसे हुआ कि नहीं? इन दोनों को ना पकड़ के अभी जेल में डाल दो अन्नी बेना, ऐसे टाइम पे ये लोग इशारेबाजी करने बैठ गए। अरे लेकिन ऐसे टाइम पे मतलब कैसे टाइम पे ये तो बताओ मम्मी। हाँ बताती हूँ साधना बहन। मम्मी जो मैं साधना बहन ही हूँ, आप बताइए ना क्या मामला है? आपकी जो 100 साल पुरानी दुकान है ना, उसकी जमीन की लीज सिर्फ 99 साल की ही थी बेन। हाँ तो? अरे तो आप लोगों ने वो लीज रिन्यू नहीं करवाई है और वो लीज रिन्यू करवाने का चांस भी आप लोगों के हाथ से गया बेन। अभिषेक देखा बैठ गया ना बात सुन के, इसलिए पहले ही कहा था मैंने अभिषेक के इनको बिठा दे। अन्ना संभालिए, हम अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके लीज रिन्यू करवा लेंगे ना। मैं क्या डूबा हूं? अरे मामला इतना आसान होता तो क्या मैं आप लोगों को चेतावनी देने आता? बेटा सिर्फ एक दिन बचा है, एक दिन लीज रिन्यू करवाने के लिए। अरे पर ऐसा एक मैं जरा सांस लेता। ऐसे कैसे है? हाँ वो 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है ना सरकार को हमें वो लीज रिन्यू करवाने के लिए। हाँ अन्ना साहब ये नोटिस उन्होंने 31 दिन पहले ही आपको कुरियर किए है। हाँ
नहीं नहीं, हमें कुरियर मिला होता तो हमें तो पता होता ना। हाँ, हम तो साफ साफ मना कर देंगे, हमें 31 दिन पहले कोई नोटिस मिली ही नहीं है। अरे भाई, आपने नोटिस रिसीव की है और इस बात को साबित करती है ये दस्तखत। अरे किसने नोटिस लिया है हमारे घर पे से? हाँ, अरे प्रभाकर बारा, पढ़। प्रभाकर बी गोखले, ये तो मेरा नाम है ना? अरे प्रभाकर मेरा, 30 दिन पहले तुझे नोटिस मिली थी तो तूने बताया क्यों नहीं? ये साइन तो कुरियर वाले ने कल करवाई मुझसे, अब पेंचे साहब से लड़ाई कर रहे थे ना तब। कुरियर का खत बाद में देके जाता हूँ ऐसा बोल के। कुरियर में बाद में भिजवा दूंगा, आप प्लीज इस पे दस्तखत कर दीजिए ना, आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? अरे हाँ भाई हाँ, उसमें क्या है। I'm a cheap walker.